हेलो एवरीवन, इस सेशन में हम जानने वाले हैं कि कॉपी राइटिंग और कंटेंट राइटिंग जो कि दो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ राइटिंग है, जो कि हम कह सकते हैं कि लोगों को लगता है कि कंटेंट राइटिंग और कॉपी राइटिंग सिमिलर है या फिर सेम है, बट ऐसा नहीं है। तो इन दोनों में डिफरेंसेस क्या होता है, इनका मीनिंग क्या होता है, सारी चीज़ें इस वीडियो में हम कवर करने वाले। अगर आप अपना करियर कंटेंट राइटिंग, कॉपी राइटिंग, SEO या डिजिटल मार्केटिंग में बनाना चाहते हैं तो सिंपली दिए हुए नंबर पर कॉल कर रहे हैं आपको और अपनी फ्री डेमो क्लास बुक करनी है। तो क्या क्या हम प्रैक्टिस करेंगे, क्या क्या चीज़ें हम एक्सप्लोर करने वाले इस सेशन के अंदर। फर्स्ट कि कॉपी राइटिंग का मीनिंग क्या होता है एंड कॉन्टेंट राइटिंग का मीनिंग क्या होता है। सेकंड, इन दोनों के कुछ एग्जांपल्स देखेंगे ताकि एक बेटर आइडिया हमको मिल पाए। थर्ड, हम कॉन्टेंट राइटिंग और कॉपी राइटिंग का एक कंपेरिजन करेंगे कि दोनों में क्या एग्जैक्टली डिफरेंसेज होने वाले हैं। देन इन दोनों में से डिफिकल्ट कौन सी है, कॉन्टेंट राइटिंग करना डिफिकल्ट है या कॉपी राइटिंग डिफिकल्ट है, वो समझेंगे। देन एक कॉन्टेंट राइटर और एक कॉपी राइटर, इन दोनों में से ज़्यादा अर्निंग किसकी होती है, ज़्यादा अर्न कौन करता है, ज़्यादा इनकम सैलरीज किसकी ज़्यादा हाई होती है, वो भी हम समझने वाले हैं। ओके, तो हम पहले बात करते हैं कि कंटेंट राइटिंग क्या होती है और इसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो कंटेंट राइटिंग इज मोर अबाउट कि हम ऑडियंस को कैसे इन्फॉर्म कर पाते हैं, ऑडियंस को कैसे इंस्ट्रक्शन दे पा रहे हैं या फिर ऑडियंस को हम कैसे एजुकेट कर पा रहे हैं, एंटरटेन कर पा रहे हैं, इससे जुड़ा जो भी रोल प्ले होता है वो हम कंटेंट राइटिंग से करते हैं। देन कॉपी राइटिंग की अगर बात करें तो कॉपी राइटिंग का इंपॉर्टेंस या रोल क्या होता है कि हम ऑडियंस जो है उनको कैसे कन्वर्ट कर पाए, कैसे कन्विंस कर पाए एक्शन लेने के लिए, हम कैसे उनको पर्सुएट कर पाए। दोनों में डिफरेंस है, एक का रोल प्ले हो रहा है कि हम ऑडियंस को इन्फॉर्म करने के लिए यूज़ कर रहे हैं एंड सेकंड का रोल क्या हो रहा है कि ऑडियंस को कन्वर्ट करने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। कुछ एग्जांपल देखते हैं, उससे हमको एक बेटर आइडिया हो पाएगा। तो फर्स्ट एक टॉपिक पिक करते हैं एग्जाम्पल के लिए कि हाउ टू लर्न कोडिंग एज ए बिगिनर। इसके ऊपर मान लेते हैं हमने एक वीडियो बनाया या फिर कह सकते हैं कि ब्लॉग पोस्ट लिखा, आर्टिकल लिखा कि हाउ टू लर्न कोडिंग एज ए बिगिनर। तो आपने सर्च किया गूगल पे हाउ टू लर्न कोडिंग एज ए बिगिनर, तो आपके सामने बहुत सारे सर्च रिजल्ट आ गए, इसके ऊपर बहुत सारे आर्टिकल्स आ गए गूगल के ऊपर। आपने देखा, आपने मान लेते कोई आर्टिकल ब्राउज करा, उसके अंदर आपको कह सकते हैं कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस या फिर गाइड मिल गई कि आप कोडिंग कैसे सीख सकते हैं या फिर कोडर कैसे बन सकते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन मिली कि पहले ये करना है, सेकंड ये करना है, थर्ड ये करना है, ये सब चीज़ें करोगे, ये स्किल्स आप डेवलप कर लोगे तो आपको कह सकते हैं कि कोडर बन सकते हो, कोडिंग स्किल्स प्रैक्टिस कर सकते हो, सीख सकते हो, राइट। ये क्या था, एक हमने ऑडियंस को इन्फॉर्मेशन दी, ऑडियंस को कह सकते हैं कि इंस्ट्रक्शंस दिए, तो ये हम कह सकते हैं कॉन्टेंट राइटिंग का पार्ट हो गया, राइट। अब मान लेता हूँ कि जो हमने ये आर्टिकल पढ़ा उसके अंदर कहीं ना कहीं एक मेंशन था कि आप कोडिंग सीखने के लिए एक अच्छा कोर्स कर सकते हैं कोडिंग का, और जिस वेबसाइट पे आप पढ़ रहे थे उस आर्टिकल को वहाँ पर उन्होंने लिंक लगा रखी थी, अपना जो कोडिंग का कोर्स है, प्रोग्रामिंग का कोर्स है, उसकी लिंक थी। उस लिंक पे यूजर ने क्लिक करा और जो कोडिंग या कोर्स का पेज था, प्रोग्रामिंग कोर्स या कोडिंग कोर्स का जो पेज था, वहाँ पर चला गया यूज़र। अब वहाँ पर जाने के बाद क्या हो रहा है कि वहाँ पर आपका मोटिव यह नहीं है कि ऑडियंस को इन्फॉर्म करना, आपका मोटिव क्या है कि ऑडियंस जो सीखना चाहता है उसको कोर्स में कैसे एनरोल करें, अगर कोर्स रिकॉर्डेड कोर्स है तो उसको कैसे सेल करें, राइट। वहाँ पे ये नहीं चाहता कि सिर्फ ऑडियंस को बता दे कोडिंग क्या होती है और कैसे सीख सकते हैं, वहाँ पे आपका मोटिव है कन्वर्जन। आप चाहते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस पर स्पेसिफिक कॉल टू एक्शन जो होंगे आपके, बुक नाउ, बुक है डेमो, डाउनलोड ब्रोशर या फिर कह सकते हैं कि ऐड टू कार्ट करना कोर्स को, ये सब चीज़ें आप चाहते हो कि यूज़र एक्शन ले, तो यहाँ पर कॉपी राइटिंग का रोल प्ले होगा। और जो फर्स्ट हमने देखा कि हाउ टू लर्न कोडिंग वाला जो ब्लॉग था वो कंटेंट राइटिंग का पार्ट प्ले कर रहा था, राइट, जहाँ पर आप ऑडियंस को सिर्फ इन्फॉर्मेशन देना चाहते थे और इन्फॉर्मेशन के बाद आपने यूजर्स को लेके आए और यूजर्स को आप चाहते हो कन्वर्ट हो, तो वहाँ पे कॉपी राइटिंग का रोल प्ले हो गया। अब एक सेकंड एग्जांपल देखते हैं, टॉप 10 गेमिंग लैपटॉप्स इन इंडिया, ठीक है। इसके ऊपर आप चाहे तो एक ब्लॉग पोस्ट लिख लो, चाहे मान लेते हैं कि यूट्यूब पर वीडियो बना लिया, तो अब जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हो कि टॉप 10 गेमिंग लैपटॉप्स कौन से हैं, आप मान लेते हैं कि 10 लैपटॉप्स की आपने लिस्ट बनाई और बता दिया, उनकी कॉस्ट बता दी, इन्फॉर्मेशन बता दी, स्पेसिफिकेशंस क्या है, रैम रोम सब कुछ बता दिया, तो आप ऑडियंस को करो इन्फॉर्म दे रहे हो, इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, तो आप उनको इन्फॉर्म कर रहे हो, तो ये कंटेंट राइटिंग का पार्ट हो गया कि आपने टॉप 10 जो लैपटॉप्स है गेमिंग के लिए वो बता दिए, उनकी डिटेल्स बता दी, उनकी इन्फॉर्मेशन बता दी, कॉस्ट बता दी, स्पेसिफिकेशन भी बता दी, इन्फॉर्मेशन सारी दे दी, ये हो गया अपना कॉन्टेंट राइटिंग का पार्ट। अब इसी ब्लॉग के अंदर आप कहीं ना कहीं मैंशन कर रहे हो कि इनमें से ये लैपटॉप बेस्ट है, ये परचेज करोगे तो आपके सारे कह सकते हैं कि बजट फ्रेंडली भी है और ये कॉस्ट इफेक्टिव भी है, इसकी गारंटी भी ज़्यादा है, वारंटी भी ज़्यादा है, और आपने कहा कि इसको आप परचेज करो टॉप 10 में से जो भी है, एक आइटम को आपने प्रमोट करा, तो वहाँ पे कॉपीराइटिंग का रोल आ गया, क्योंकि हो सकता है कि वो प्रोडक्ट आपका खुद का हो, राइट। सेकंड, ये हो सकता है कि आपने अफिलिएट मार्केटिंग, अफिलिएट इनकम जनरेट करना चाहते हो, उससे आपने उसका कह सकते हैं कि उस प्रोडक्ट को स्पॉन्सर्ड कंटेंट की तरह कर रहे हो या फिर प्रमोट कर रहे हो, तो वहाँ पे आप कन्विंस कर रहे हो यूज़र को एक्शन लेने के लिए कि ये वाला लैपटॉप इनमें से परचेज करो, तो यहाँ पर आपका कॉपीराइटिंग का रोल आ गया। तो आप जब देखते हैं ना यूट्यूब वीडियोज़ भी देखते हैं काफ़ी यूट्यूबर्स के, तो क्या होता है कि वो अपना वीडियो बनाते बनाते बीच में कुछ स्पॉन्सर्ड कंटेंट भी ऐड करते हैं और वहाँ पे उनको आपको कुछ कहते हैं दो चार लाइंस और कहते हैं कि डिस्क्रिप्शन में लिंक हो जाएगी, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यहाँ पे यूज़र आपको क्या बोल रहा है कि पर्सुएड कर रहा है आपको कि आप
डिस्क्रिप्शन में जाए और लिंक पे क्लिक करके कुछ ट्रांजेक्शन करें या फिर एक्शंस लें, राइट। तो यहाँ पर जो उन्होंने कन्विंस करने के लिए बोला आपको, तो उस पर बहुत बड़ा मैटर प्ले होता है कि कैसे उन्होंने क्या बोला कि आप कन्विंस हुए, डिस्क्रिप्शन में गए, लिंक चेक करें। तो यहाँ पे ये जो वर्ड्स बोले भी हैं, चाहे रिटन फॉर्म में है, आर्टिकल में, तो यहाँ पे कॉपीराइटिंग का रोल प्ले हुआ। तो ये दो डिफरेंसेस हम एग्जांपल से समझ सकते हैं कि कंटेंट राइटिंग और कॉपीराइटिंग में क्या डिफरेंसेस हैं। देन हम एक कंपैरिजन चार्ट से समझते हैं कि किस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीज़ें अलग है दोनों में। तो फर्स्ट, कंटेंट राइटिंग का यहाँ पे रोल होता है कि ऑडियंस को इन्फॉर्म करना, एजुकेट करना, इंस्ट्रक्शंस देना, जैसे हमने आर्टिकल के थ्रू इन्फॉर्मेशन दिया, एजुकेट करा, राइट। सेकेंड, जो कॉपीराइटिंग है उसका इंपॉर्टेंस क्या होता है, ऑडियंस को कन्वर्ट करना, कि ऑडियंस जो आ रखी है, आपके पास यूजर्स का बेस है, उसको आप कैसे कन्वर्ट कर पाते हो। फॉर एग्जांपल, आपने जो कहते हैं कि वेबसाइट्स होती हैं उन पर ब्लॉगिंग करते हैं, या फिर ब्लॉगिंग होती है, ब्लॉग्स होते हैं उन पर ब्लॉगिंग करते हैं, कंटेंट आर्टिकल्स बहुत सारे लिखते हैं, उसका मोटिव क्या है, ऑडियंस को इन्फॉर्मेशन देना, और इन्फॉर्मेशन के थ्रू आप कैसे अपनी बिजनेस की तरफ लेके जाते हैं उनको। फॉर एग्जांपल, आपने क्या करा कि अपनी वेबसाइट है, अपनी जो सर्विस है, बिजनेस है, उनसे जुड़े हुए बहुत सारे कॉन्टेंट क्रिएट करा, बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे, जिससे कि आपके पास बहुत सारा ट्रैफिक आए। आप चाहते हो जो ट्रैफिक आया है उसको कैसे आप अपने पेजेस की तरफ लेके जाओ, लैंडिंग पेजेस की तरफ लेके जाओ और अपनी सर्विस को सेल कर पाओ। तो फर्स्ट जो आपने किया कि आपने ऑडियंस को लेके आया, वो आपका पार्ट था कंटेंट राइटिंग से, आपने अचीव करा, एसईओ करा, कंटेंट राइटिंग करा, यूज करा उसका, ठीक है। सेकंड, जो ऑडियंस आई है उसको कन्वर्ट कैसे करना है, वहां पे कॉपी राइटिंग का रोल आता है। देन कंटेंट राइटिंग का मेन रोल होता है कि आप ऑडियंस को इन्फॉर्म करें, सेकंड कॉपी राइटिंग का रोल होता है कि ऑडियंस को कैसे पर्सुएट करें, उनको कैसे कन्विंस करें, ये दो चीज़ें डिफरेंस होती है। देन कंटेंट राइटिंग जो होती है जनरली लॉन्ग फॉर्म होती है, जैसे हम बात करिए आर्टिकल्स की, आर्टिकल 1000 वर्ड्स, 2000 वर्ड्स, 5000 वर्ड्स तक के भी होते हैं, तो लॉन्ग फॉर्म कंटेंट के साथ अप्लाई करते हो। देन कॉपी राइटिंग क्या होती है, शॉर्ट फॉर्म होती है जनरली, जैसे बात करें एड कॉपीज की, तो आपके पास सिंपली कुछ वर्ड्स, एक हेडलाइन, टैगलाइंस, ये हो गया, तो वहाँ पे शॉर्ट फॉर्म कंटेंट है। लैंडिंग पेजेस पे भी आप बहुत सारा कंटेंट नहीं लिखते हो, क्रिस्पी कंटेंट लिखते हो, जिससे कि यूजर कम वर्ड्स में भी कन्विंस हो पाए, राइट। देन एग्जांपल्स ऑफ कंटेंट देखते हैं हम, आर्टिकल्स, ई बुक्स, गाइड्स, राइट। ये सारी जो एग्जांपल्स हैं ये हम कह सकते हैं कि कंटेंट राइटिंग के, कंटेंट राइटिंग जो कि हम बात कर रहे थे लॉन्ग फॉर्म कंटेंट की, वो एग्जांपल्स हैं। कॉपी राइटिंग की अगर बात करें तो इसमें एड कॉपीज, जो कि हमने समझा अभी कि शॉर्ट फॉर्म कंटेंट होता है, देन लैंडिंग पेजेस पे भी क्रिस्पी कंटेंट हो गया, देन ईमेल्स होता है, ईमेल्स के अंदर भी सब्जेक्ट लाइन है, 5-6 वर्ड के सब्जेक्ट लाइन लिखते हो, कैची सब्जेक्ट लाइन कैसे लिख सकते हैं, कन्विंसिंग हो सकती है वो, देन आप मेलर्स लिख रहे हो। देन हम एग्जांपल लेते हैं कि टैगलाइंस है, कोई बिजनेस की टैगलाइन लिखनी है, तो टैगलाइन होती सिर्फ 5-6 वर्ड की है, बट उसको 5-6 वर्ड को सोचने में बहुत टाइम लग जाता है, हो सकता है कि 5-6 वर्ड्स को फाइनल करने के अंदर ही दो चार दिन लग जाए, राइट। तो वो कॉपी राइटिंग का पार्ट प्ले होता है, जो कि शॉर्ट फॉर्म कॉन्टेंट है। देन जो कॉन्टेंट राइटिंग है उसका मोस्टली पर्पज ये होता है कि हम एसईओ पर्सपेक्टिव से कॉन्टेंट क्रिएट करते हैं, कि क्या हम ऐसा कॉन्टेंट लिखे जिससे कि जो आपकी इंटरेस्टेड ऑडियंस आपके बिजनेस के अंदर वो वेबसाइट पर आ पाए, जैसे कि आर्टिकल्स हुए, वेब पेजेस पे भी आप कॉन्टेंट में कीवर्ड्स वगैरह यूज करते हो, जिससे कि ऑडियंस ज़्यादा से ज़्यादा आपकी वेबसाइट पर आ पाए। आने के बाद आपका मोटिव क्या है कि जो ट्रैफिक है या जो यूजर्स हैं उनको आप कन्वर्ट करें, ठीक है। आपके वेबसाइट पे यूजर्स तो आ गए, मान लेता हूँ 1 बिलियन यूजर्स आ रहे हैं आपके वेबसाइट पे मंथली, बट उनमें से मैक्सिमम लोगों को कन्वर्ट करना है, तो वहाँ पे आपका कॉपीराइटिंग का यूज़ होता है कि आप जो ऑडियंस है उसको आप कन्वर्ट करना है, आपकी प्रोडक्ट, सर्विसेज, जो भी आपके पास है चीज़ें, उसमें कन्वर्ट करना, उनको लीड्स जनरेट करना, सेल जनरेट करना, ये सब कॉपीराइटिंग का रोल प्ले होता है। तो ये कुछ डिफरेंसेज हैं कि कॉपीराइटिंग क्या होती है एंड कंटेंट राइटिंग क्या होती है, दोनों में हम कैसे समझ सकते हैं कि क्या चीज़ कौन से पार्ट में प्ले होती है। तो टू समराइज, हम ये कह सकते हैं कि कंटेंट राइटर इन्फॉर्म करता है, एंड एक कॉपीराइटर जो होता है वो सेल करता है। तो ये डिफरेंसेस है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इन दोनों में से डिफिकल्ट क्या है करना, ज़्यादा पैसे कौन कमा सकता है। तो पहले बात करते हैं कि डिफिकल्ट क्या है। तो हमने जैसे एग्जांपल्स देखे हैं उससे क्लियर हुआ होगा आपको कि डिफिकल्ट थोड़ा कॉपीराइटिंग है। क्यों? क्योंकि लॉन्ग फॉर्म कॉन्टेंट है, इन्फॉर्म करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, समझ सकते हैं ऑडियंस को, एक यूज़र फ्रेंडली कॉन्टेंट आपने क्रिएट करा। बट कॉपीराइटिंग क्या होता है कि आप क्या करते हैं कि यूज़र का तो समझते ही हैं, प्लस सेल्स के स्किल आपका होनी चाहिए, और जब हमने समझा था कि साइकोलॉजी ऑफ यूजर्स की, यूजर क्या सोच रहा है वो भी आपके पास अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, देन चूजिंग द राइट वर्ड्स, राइट सेट ऑफ वर्ड्स या सेंटेंसेस, फ्रेज ऐसे यूज करने जिससे कि यूजर कन्वर्ट हो पाए, कन्विंस हो पाए। तो इसमें क्या होता है कि आपको थोड़ा थॉट प्रोसेस ज़्यादा चाहिए होती है, अपने अंदर थोड़ी स्किल्स होनी चाहिए सेल्स वाली, वो भी होनी चाहिए, देन पावरफुल वर्ड्स का यूज़ करना, वो सब चीज़ होनी चाहिए, कॉपीराइटिंग के फॉर्मूलाज होते हैं उनको फॉलो कैसे करना, वो चीज़ स्किल भी नीड होती है। तो कॉपीराइटिंग थोड़ा ज़्यादा मुश्किल है। देन हु अर्न्स मोर मनी, इसमें भी आंसर है कि कॉपी राइटर ज़्यादा अर्न करता है, और क्यों करता है उसका रीज़न बताता हूँ। तो कंटेंट राइटर जनरली अगर बात करता हूँ फ्रीलांसिंग टर्म्स में, तो कंटेंट राइटर्स इन टर्म्स ऑफ पैसा पर वर्ड या फिर रुपीज़ पर वर्ड के टर्म्स में चार्जेस करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक राइटर है जो कि 1 रुपये पर वर्ड चार्ज करता है, उसका 1000 वर्ड का एक आर्टिकल लिखवाया आपने, तो 1000 रुपीज़ आपसे चार्ज करेगा, जिसमें मान लेता हूँ कि 5-6 आवर्स लग सकते हैं, कोई रिसर्च भी अच्छा आर्टिकल लिखा हो तो, अब 5-6 आवर्स की मेहनत के उसने मान लेता कि 1000 रुपीज़ अर्न करे। अब कॉपी राइटर है,
हो सकता है कि उसने आपने उनको बोला कि एड कॉपीज लिख के दे दो, या फिर आपने बोला कि हमारे बिजनेस की टैगलाइन लिख के दो, तो वो जो लिखेगा वो आपके देखोगे टैगलाइन तो सिर्फ 10 वर्ड की भी हो सकती है, विद इन 5-6 वर्ड्स में भी कन्वे हो सकती है। देन एड कॉपीज है वो शॉर्ट होती है, कम वर्ड्स में आप कैसे चीज़ें ऐड कर पाते हो वर्ड्स में, तो छोटे छोटे चीज़ें होती है। बट उन जैसे मान लेता हूँ कि 100 वर्ड्स भी किसी ने कॉपीराइटर ने लिखे विद इन 5-6 आवर्स, इतना टाइम लग जाता है क्योंकि आप सोचते हो, हर चीज़ करते हो, राइट वर्ड्स का सेट यूज़ करते हो, तो टाइम लगता है। तो 5-6 आवर्स के अंदर मान लेता हूँ कि उसने 100-200 वर्ड्स ही लिखे, तो वर्ड्स के बेसिस पे चार्ज नहीं कर सकता कॉपीराइटर, क्योंकि सिर्फ 5 आवर्स के 200 रुपीज़ मिलेंगे। तो इसलिए क्या होता है, कॉपीराइटर्स यूजुअली आवरली बेसिस पे चार्ज करते हैं कि इस काम में मुझे इतना टाइम लगेगा और मेरी पर आवर कॉस्ट इतनी है, राइट। तो कॉपीराइटर्स हमेशा ज़्यादा अर्न करते हैं, एंड कॉपीराइटर्स अर्न ज़्यादा इसलिए भी करते हैं क्योंकि वो बिजनेस की ग्रोथ में, रेवेन्यू में हेल्प करने वाला कॉन्टेंट लिख रहे होते हैं, राइट। तो ये सब चीज़ें हमने समझी। सो ये सब चीज़ें डिफरेंसेस हमने क्लियर करे कि कॉपीराइटिंग क्या होती है, कुछ एग्जांपल्स देखे हमने जैसे कि बेटर आइडिया हुआ, देन हम डिफरेंसेस को कंपेयर करा, देन हु अर्न्स मोर एंड विच इज़ मोर डिफिकल्ट, ये भी हमने समझा। तो इससे आपको एक बेटर आइडिया मिला होगा कि कॉन्टेंट राइटिंग क्या होती है, कॉपीराइटिंग क्या होती है, और दोनों का स्कोप क्या है। थैंक यू।